श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। द श्रेष्ठ भारत शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार और बंगाल विजय का अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के जमुई और पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। पीएम ने कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया, तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी कूच बिहार में बैक टू बैक दो रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फिर देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने जमुई में कहा कि तीसरे कार्यकाल में और बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने जमुई की रैली में आरजेडी और इंडिया गठबंधन पर तीखे हमले बोले। हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे। अब वो सब मिलकर मोदी आया। भ्रष्टाचारी कान खोल करके सुन ले, ये मोदी नहीं आया, 140 करोड़ देशवासियों का भ्रष्टाचारियों के प्रति गुस्सा निकल करके आया है। बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुंकार भरी। बीजेपी और टीएमसी के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों पार्टियां गाहे बगाहे एक दूसरे पर जुबानी हमले करने से पीछे नहीं रहती, और आज फिर एक ऐसा मौका दोनों पार्टियों के सामने आया जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इशारों इशारों में एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों से नॉर्थ बंगाल के इलाके में बीजेपी को अच्छी बढ़त मिल रही है। बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ टीएमसी से ये सभी सीटें छीन ली थी। नॉर्थ बंगाल की कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। उत्तर से दक्षिण तक 13 राज्यों में नॉमिनेशन दाखिल किए गए। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उनमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा बाहरी मणिपुर सीट का एक हिस्सा शामिल है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन 28 मार्च से शुरू कर दिया गया था और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। वहीं 5 अप्रैल को जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। जम्मू कश्मीर में स्क्रूटनी 6 अप्रैल को होगी। वोटिंग की तारीख है 26 अप्रैल। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग है और ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जाटलैंड की हैं। अमरोहा, मेरठ समेत यूपी की कुल 8 सीटें दूसरे फेज में हैं और कई दिग्गज दूसरे फेज में मैदान में हैं, जिनमें बड़े चेहरों की बात करें तो राहुल गांधी वायनाड से, हेमा मालिनी मथुरा से, अमरावती से नवनीत राणा और केसी वेणुगोपाल अलापुझा से ओम बिरला और तेजस्वी सूर्य ने नामांकन दाखिल किया है। राहुल गांधी वायनाड कांग्रेस, तारिक अनवर कटिहार कांग्रेस, शशि थरूर तिरुवनंतपुरम कांग्रेस, नवनीत राणा अमरावती बीजेपी, हेमा मालिनी मथुरा बीजेपी उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल, अलापुझा बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या, बेंगलुरु साउथ बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला, कोटा बीजेपी महेश शर्मा, नोएडा बीजेपी शोभा, बेंगलोर करंदलजे बीजेपी सुकांत मजुमदार, बालूरघाट बीजेपी बीमा भारती, पूर्णिया आरजेडी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। वहीं कांग्रेस में भागम भाग का सिलसिला लगा हुआ है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को जोर का झटका जोरों से ही लगा है। एक तरफ जहां कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर संजय निरुपम पर कड़ा एक्शन लिया है।
कांग्रेस प्रवक्ता रहे गौरव बल्लभ ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते वक्त गौरव ने इसकी कई वजह गिनाई, जिसमें सबसे बड़ी वजह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस का शामिल ना होना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे खत में गौरव ने साफ साफ कहा कि वे जन्म से हिंदू हैं, राम का अपमान नहीं सह सकते। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेता सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उस मौन स्वीकृति उसको देता है। गौरव वल्लभ ने अपने खत में लिखा, जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। कांग्रेस पार्टी अपनी राह भटक गई है। कांग्रेस में बौद्धिक और नए आइडिया वाले युवाओं की कद्र नहीं है और ग्राउंड लेवल पर किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। मैं जन्म से हिंदू और शिक्षक हूँ, राम का अपमान नहीं सह सकता। पार्टी के कुछ नेता सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने जैसा ही है। इसी के साथ ही अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की कर लेते हैं, जहां की सियासत गर्मी बढ़ने के साथ गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। संजय निरुपम पर ये एक्शन अनुशासनहीनता के आरोप को लेकर हुआ है, लेकिन इसकी असल वजह कुछ और ही है। दरअसल संजय कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने यहां से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे संजय भड़क गए और बागी तेवर अपना लिए और बार बार पार्टी छोड़ने की धमकी देने लगे। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि संजय का अगला कदम क्या होगा और उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको बता दें कि संजय निरुपम शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे, उनके बीजेपी में जाने की संभावना कम है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अगर वे शिवसेना में वापसी करते हैं तो इसे घर वापसी के तौर पर ही देखा जाएगा। यूपी पुलिस परीक्षा में पेपर लीक के आरोपी राजीव नयन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी एसटीएफ के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। आरोपी राजीव नयन मिश्रा प्रयागराज के रहने वाले हैं और फिलहाल भोपाल में रह रहे थे। उसने भोपाल से ही सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई की है। कॉलेज में ही वो ऐसे लोगों से मिला जो पैसे लेकर भोपाल के कॉलेजों में एडमिशन कराते थे, जिसके बाद राजीव भी गैंग में शामिल हुआ। आरोप है कि राजीव ने ही मध्य प्रदेश और गुड़गांव के रिजॉर्ट में 1000 से ज्यादा अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया था। वहीं पुलिस इस मामले में 54 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में अब तक 54 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। 17 व 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। कुछ आपराधिक तत्वों द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किए जाने के संबंध में प्रदेश में कई जनपदों में अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की जांच स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही थी। जांच तथा पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में मुख्य अभियुक्त व मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा निवासी प्रयागराज तथा वर्तमान निवासी भोपाल का नाम प्रकाश में आया था। 2 अप्रैल को की साय अभिसूचना संकलन के आधार पर यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती का पेपर लीक करने वाले अभियुक्त राजीव नयन को परी चौक के पास ग्रेटर नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से यूपी एसटीएफ की नोएडा टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राजीव नयन भर्ती परीक्षा पेपर लीक से संबंधित मुकदमे में थाना कंकड़खेड़ा मेरठ में वांछित था, जिसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपियों से पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि अत्री है, जो फरार है, जिसने पेपर लीक कैसे किया जाएगा इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी। एसटीएफ अब रवि अत्री की तलाश में जुटी हुई है। टाटा समूह के विस्तारा एयरलाइंस इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझ रही है। एयरलाइंस के ज्यादातर पायलट काम पर आ ही नहीं रहे, जिसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ रहा है। आपको बता दें हैं कि आखिर विस्तारा के सामने ये संकट कैसे खड़ा हुआ। दरअसल टाटा ग्रुप ने पिछले साल एयर इंडिया को खरीद लिया था। अब टाटा ग्रुप विस्तारा और एयर इंडिया को मर्ज कर रहा है, जिस पर पायलट्स ने बवाल काटा हुआ है, क्योंकि एयर इंडिया की सैलरी स्ट्रक्चर और विस्तारा के सैलरी स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस है। एयर इंडिया का सैलरी स्ट्रक्चर 40 घंटे उड़ान की मिनिमम एश्योर्ड पेपर बेस्ड है, जबकि विस्तारा का 70 घंटे का मिनिमम एश्योर्ड पेपर है। टाटा ग्रुप ने विस्तारा के लिए पिछले हफ्ते एयर इंडिया के पे स्ट्रक्चर को अपनाया है। इसी वजह से विस्तारा एयरलाइंस के पायलट्स की सैलरी में कटौती हुई है
और इसी वजह से पायलट इसका विरोध कर रहे हैं। पायलट बीमारी और थकान का हवाला देते हुए काम पर आ ही नहीं रहे हैं, जिसका असर ये हुआ है कि 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स अब तक रद्द हो चुकी हैं। यही वजह है कि विस्तारा एयरलाइंस की 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स अब तक रद्द हो चुकी हैं, कई रिस्केड्यूल की जा रही हैं। हालांकि विस्तारा ने इस हफ्ते के लास्ट तक प्रॉब्लम सॉल्व होने की उम्मीद जताई है, लेकिन ये जल्द ही साफ हो जाएगा कि उनकी ये बात कितनी सही है। ये थी द श्रेष्ठ भारत शो में आज की सभी बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।